कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वोट हुआ है वो 53% के करीब पोल रहा है। इसमें हाईएस्ट सुरनकोट असेंबली सेगमेंट में रहा है और लोएस्ट कुलगाम असेंबली सेगमेंट में रहा है, जिसके डिटेल जो है मैं आपसे अभी इमीडिएटली शेयर कर लूंगा। सर आपने बोला कि पिछली जो टर्नआउट था उससे ज्यादा हुआ है। जी जी, जहां तक यूनियन टेरिटरी की बात है, यूनियन टेरिटरी लेवल पर जो पोल परसेंटेज रहा है मैं जस्ट पढ़ लेता हूं। 1989 में ये पोल परसेंटेज रहा है 29.93 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। 1996 में 47.99% रहा है। 1998 में ये 43.35 रहा है। 1999 में 30.89 रहा है। 2004 में 34.07 रहा है। 2009 में 39.04 रहा है। 2014 में 49.58 रहा है, जो हाईएस्ट था अब तक जिसको एक्सीड किया है 2024 में। 2019 में 44.07 रहा है और 2024 जो अभी पोल कंडक्ट कंप्लीट हुआ है जिसमें 58% रहा है। डेफिनेटली जो है, पहले तो मैं कोई इलेक्शंस की ड्यूटी नहीं करता था, डेफिनेटली या दूसरे पोस्ट पर तैनात था। जो भी पढ़ता था सुनता था उससे लगता था कि क्वाइट वायलेंस जो है खास करके पोल दिन पर बड़े पैमाने पर होती थी। आपने देखा कि पांचों फेजेस में इंक्लूडिंग कश्मीर के जो तीन फेजेस हुए उसमें कोई भी स्टोन पेल्टिंग का वाकया, कहीं भी पोलिंग पार्टीज को जाने में मुश्किलात होना, उनके व्हीकल्स पर कहीं डिफिकल्टीज जाना, या हमें उस मजबूरी के हिसाब से जो है कहीं पोलिंग स्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, ये कहीं जरूरत नहीं लगी है। क्वाइट पीसफुल पोल रहा है। स्टिल कैंपेनिंग के दरमियान कुछ एक जगह पर हिंसा हुई है, वायलेंस हुआ है, भले वो डायरेक्टली पोल रिलेटेड नहीं रहा है, मतलब कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन्स या मान लीजिए पोल रिलेटेड जो हमारा स्टाफ था उससे रिलेटेड नहीं रहा है, लेकिन वायलेंस जो है जो आज पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पोल को गई थी उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ ही